हे दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एक ऐसे फोन के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें किसी तरह का कोई बिल, किसी तरह का कोई पेमेंट, कोई रिचार्ज नहीं कराया जाता। जी हाँ दोस्तों, कॉर्पोरेट वर्ल्ड इसी फोन और टेक्निक्स का यूज करती है अपने इंटायर इंडस्ट्री और अपने इंटायर नेटवर्क पे अदर टाइप्स ऑफ कॉस्ट से बचने के लिए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों मैं जिस फोन का बात कर रहा हूँ उसे हम लोग बोलते हैं आईपी फोन। जी हाँ दोस्तों, आईपी फोन का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल फोन, जिसे हम लोग वॉइस फोन भी बोलते हैं। दोस्तों ये एक ऐसा फोन होता है जिसे आप अपने नेटवर्क पे इजीली यूज कर सकते हो विदाउट किसी टाइप का कॉस्ट बेयर किए। लाइक जैसे हम कॉमन कॉल भी अगर मोबाइल यूज करते हैं, टेलीफोन लाइन यूज करते हैं, तो हमें ISP को जो भी इसका प्रोवाइडर होता है उसे हमें कुछ चार्जेस देना पड़ता है मंथली बेसिस पे। अगर हम चार्जेस नहीं देते तो हमारा कॉलिंग वगैरह कट जाता है। बट अगर हम आईपी फोन यूज करते हैं अपने ऑफिस पे या अपने इंटायर नेटवर्क पे, तो हमें किसी तरह का कोई कॉस्ट नहीं देना पड़ता। विद इन हेल्प ऑफ आईपी फोन का हम लोग कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं अपने इंटायर नेटवर्क पे और बहुत ही अच्छी तरीका से। और इसका जो कुछ बेनिफिट्स है वो कुछ इस तरीका का है। लाइक अगर हम अनलॉक फोन या मोबाइल फोन यूज करते हैं तो इसमें हमारा सिग्नल्स का प्रॉब्लम होता है। लाइक हम अदर ऐसे जगह होते हैं जहाँ सिग्नल्स नहीं होता तो हमारा कम्युनिकेशन सही से नहीं हो पाता। हम बात करते हैं लेकिन आवाज हमारा डिस्टिनेशन पे सही से नहीं पहुंचता, कॉल ड्रॉप होता है। बट अगर हम आईपी फोन यूज करते हैं अपने इंटायर नेटवर्क पे, तो इसमें आपका किसी भी तरह का कॉल ड्रॉपिंग का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये आपका ऑलवेज सेम फ्रिक्वेंसी पे काम करता है, एक ही तरह का आवाज आप किसी भी लोकेशन पे रहो आपको मिलेगा सुनने को। एनालॉग फोन जो हमारे घर का फोन या मोबाइल होता है, ये आपका एनालॉग सिग्नल्स पे काम करता है, जबकि आपका आईपी फोन डिजिटल सिग्नल बेस पे काम करता है जो कि ऑलवेज फ्रिक्वेंसी सेम होता है। इसे कॉन्फ़िगरेशन और मैनेजमेंट के लिए हम लोग आगे आने वाले और अपकमिंग वीडियो पे बात कर। और आईपी फोन का दोस्तों कुछ जो मेरिट पार्ट होता है, इसे आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हो, इजीली कम्युनिकेट करते हैं हम लोग एक दूसरे से, और इसका रियल टाइम में कॉपरेट भी बहुत तेजी से यूज करती है। मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूँ। लाइक अगर आप किसी भी कॉल सेंटर में आप कॉल करते हो तो आपको ऐसा लगता होगा कि जिस तरीके से आप अपने मोबाइल से बात कर रहे हो वैसे सामने बैठा हुआ जो भी एग्जीक्यूटिव है कॉल सेंटर में वो कॉल को पिक कर रहा है, बट ऐसा नहीं होता। विद इन हेल्प ऑफ आईपी फोन वो कंप्यूटर से कनेक्ट होता है और इजिली वो हेडफोन से कनेक्टेड होता है और आपसे वो कम्युनिकेट करता है। आपको हो सकता है कभी उसका आवाज ड्रॉप हो, बट आपका आवाज कभी उसको ड्रॉप नहीं होता। और आईपी फोन में किसी भी तरह का कोई बिल, किसी भी तरह का कोई चार्जेस नहीं लगता, तो आप इसे एक बार इन्वेस्टमेंट करके अपने लाइफ टाइम यूज कर सकते हो। आईपी फोन बहुत सारी वेंडर्स है जो बनाती है, लाइक है अवाया, सिस्को, HP एंड मेनी मोर कंपनीज है जो आपका आईपी फोन बनाती है। और आईपी फोन आप यूज करते हो तो उसमें आपका कुछ डायल्स नंबर होता है जो आपका नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर या जो भी प्रोवाइडर होगा आपके इंटायर नेटवर्क पे वो आपको एक प्रोवाइड कर देगा नंबर, उससे आप इजीली कम्युनिकेट कर सकते हो। इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स है। इसे आप ग्रुप कॉन्फ्रेंस पे कॉल भी करते हो, जैसे हमारा फोन में जनरली अगर हम कॉन्फ्रेंस पे कॉल करते हैं तो आवाज ब्रेक होता है, हमें सभी का आवाज प्रॉपरली सुनाई नहीं देता। बट अगर हम आईपी फोन यूज करते हैं तो इजिली सभी कोई एक दूसरे का आवाज सुन सकते हैं और इजिली समझ सकते हैं। तो दोस्तों और भी बहुत सारे बेनिफिट्स है आईपी फोन का। आने वाले अपकमिंग वीडियो पे मैं और बात करूंगा आईपी फोन के बारे में और आपको दिखाऊंगा कैसे आईपी फोन कॉन्फिगर होता है और कैसे इसका कॉर्पोरेट यूज करती है। अगर दोस्तों आपका मन में किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो या किसी भी तरह कोई सुझाव हो तो प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिएगा, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और टोटल IT ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।